चारे दोनों कुछ मेरु को आगे होगा क्या. जबरदस्त यहाँ का मौसम है, जन्नत में हमने दस्तक रख दिया. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा. ये दो लोग पहली बार आए, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर यार, बहुत सुंदर. अत्यंत खूबसूरती है तो केदारनाथ है, नहीं तो कहीं नहीं. अब देखिए आपको नजारा दिखाते हैं. ये है केदारनाथ का नजारा. जन्नत में हम लोग पहुँच चुके हैं. चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही है. देखिए सब जगह बर्फ है. अरे मंदिर पहुंच रहे हैं, थोड़ा देर में बात क्या करते हैं. देखिए नजारा केदारनाथ का. अभी मंदिर पहुंच के करते हैं, अभी बस हेलीकॉप्टर से उतरे हैं. आपको अभी हम अपने स्टोरी में ले रहे हैं. चलिए ठीक है मम्मी. हर हर महादेव, हर हर महादेव. सबको केदारनाथ का दर्शन करा रहे हैं. हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ और यहाँ मेरे गोप्रो पे मेरी पूरी बिहारी खबर की टीम, पूरे बिहारी खबर की टीम को अभी केदारनाथ का दर्शन कराएंगे. देखिए सर केदारनाथ का नज़ारा. टेम्परेचर कितना है सर का? माइनस में है सर, माइनस में. शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना. नीचे लंगर चल रहा है. लोग धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं. आप देख सकते हैं कितना सुंदर नजारा है.
चांदी की तरह चमक रहा है पूरा केदारनाथ। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदि देव शंकरा, केशवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्र देव हे महेश्वरा। क्या दृश्य है। शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी हम लोग केदारनाथ मंदिर के जस्ट बाहर ही हैं और शाम की आरती चल रही है। कौन
जबरदस्त ठंड है यहाँ पे और गजब श्रद्धा का माहौल है। आरती हो रही है शाम की, आप देख सकते हैं यहाँ पर। केदारनाथ की सुबह तब कैसा दर्शन हुआ इस बार? बहुत ही अच्छा हुआ, इस मौसम में आके भी अच्छा एक्सपीरियंस मिला हम लोग को। और नन्नी दर्शन कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ, लाइव दर्शन हो रहा है, स्वर्ग में है, बिल्कुल स्वर्ग जैसा कल लगा था आज स्वर्ग में है ऐसा लग रहा है। बोलते हैं केदारनाथ में स्वर्ग पे हवा आती है और यहाँ की हवा जबरदस्त है। हम मनमोहन से बात करते हैं, तब मनमोहन कैसा लगा इस बार का दर्शन? भाई बहुत बढ़िया, बहुत आनंद है यार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मतलब दिल खुश रहता है यहाँ आके। हर हर महादेव, अगले साल फिर आपके दरबार में आएंगे। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। हर हर महादेव। क्या नाम है आपका? तनुज गोस्वामी। तनुज गोस्वामी, तनुज गोस्वामी। और हीरो का? हाँ लाल, काली काली।
अब समय हो गया घोड़ा से उतरने का। चलिए केदारनाथ हम लोग उतर चुके हैं, गौरीकुंड पहुंच गए हैं। यहाँ से हम लोग टैक्सी करेंगे और सोनप्रयाग जाएंगे। हेलीकॉप्टर के बाद इसका भी मजा मजेदार चीज है ना नानी? हाँ बहुत। ये तो ये लोग कर क्या रहे थे? हाँ तो सर 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 इसका अलग मजा है नानी। क्या एकदम कैसा लगा घोड़ा का राइड? इतना अच्छा कि दोबारा कभी नहीं आ पाएंगे। बद्री विशाल के दर्शन के लिए हम लोग सब लोग तैयार हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ और हम लोग दर्शन करेंगे। आप 15 से 20 मिनट में हम लोग मंदिर पहुँचेंगे। आप लोगों को मंदिर के दिखाएंगे कहाँ से कैसे कैसे मंदिर है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पूजा होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मोहन कैसा लग रहा है? यहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा है ना? नॉर्मल है, नॉर्मल है टेम्परेचर। हमारी गाड़ी की हालत देखिए आप, भयंकर हो चुका है हालत। बाकी ओम नमः भगवते वासुदेवाय, मिलते हैं जल्दी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। क्या नाम है बाबा कुंड का? ये विष्णु कुंड है, लक्ष्मी कुंड, ये लक्ष्मी कुंड है, ये लक्ष्मी कुंड है, सूर्य कुंड है, सूर्य कुंड, इसके नीचे नारद कुंड है, यहाँ से भगवान की मूर्ति निकली है। हाँ। और आगे ब्रह्म कुंड है। ये चीज़ तो मैं सारी सब बता दूंगा। ये मार्कंडेय शिला है, मार्कंडेय शिला, नारद शिला, इसके पीछे वराह शिला, पुल के नीचे नरसिंह शिला, और ये गर्भ शिला, पंचशिला, तत् मध्य बद्रिकाश्रम में अष्टोभु वैकुंठो श्रेष्ठ बद्रिकाश्रम में। ये लक्ष्मी स्तंभ है, इसी के नीचे यहीं बैठ के भगवान ने ये नर पर्वत, सामने नारायण पर्वत, नर और नारायण के रूप में तपस्या, ठीक है, ये लक्ष्मी जी है। इसी के नीचे भगवान बद्री विशाल का प्राचीन मंदिर है अंदर। आप मैं पूरी वो
अभी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं बद्री विशाल के दर्शन के लिए। लाइन ज़्यादा लंबा भी नहीं है, बस यहाँ पर मंदिर है, यहाँ दर्शन हो जाएगी हमारी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमः भगवते वासुदेवाय। क्लाउड नहीं है इसलिए आपका दर्शन यहीं तक होगा। ओम केशवाय नमो माधवाय नमो अच्युतम की जय। ओम पी जाइए। ओम केशवाय नमो माधवाय नमो अच्युतम की जय। ओम केशवाय नमो माधवाय नमो अच्युतम की जय। ओम केशवाय नमो माधवाय नमो अच्युतम। हस्तो प्रच्छाल्यम हाथ दे दीजिए। हस्तो प्रच्छाल्यम, हस्तो प्रच्छाल्यम, हस्तो प्रच्छाल्यम। भूमि का ध्यान कीजिए, नारायण पर्वत है, ठीक है। बोलिए ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु वृष्टि ऋषि सुतलम छंदो कूर्मो देवता विनियोग करीष्यै। थोड़ा अपने हाथ से ये कुमकुम चंदन लगा लीजिए, वहाँ पे चंदन से महत्व अपने आप लगा लीजिए, है चंदन से महत्व महत्वपूर्ण पवित्र प्रार्थना सुन हरे भी। सबसे पहले भगवान गणपति का ध्यान कीजिए। सबसे पहले गणपति पूजा होती है। हरि ओम गजाननम भूत गणाधिवेश कपित जम्बु फल चार वक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विद्वेश्वर पाद पंकजम। आपने यहाँ पे स्नान किया है अग्निदेव पे, साक्षात कुंड छीते लिए है। ये अग्नि कुंड अग्निदेव है साक्षात, उनको वरदान है, पानी के रूप में बहते रहते हैं, लोगों के पाप दूर करते रहते हैं, है ना। उनका ध्यान कीजिए। बोलिए ओम तम राजा सर्व तीर्था नाम तमेव जगत पिता याचितम देह में तीर्थ तीर्थ राजा है नमो नमो। इस सामने कुबेर पर्वत है, ये सबका भंडार भरने वाले। बोले ओम यक्ष राजाय विद्महे गंधर्व राजाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात। भगवान बद्री विशाल के आपने दर्शन किए, उनका ध्यान कीजिए। बोले ओम बद्री बद्री भगवान विष्णु बद्री बद्री गरुड़ध्वज बद्री बद्री कुंडरी काक्षो बद्री बद्री नारायणो हरो हरि। ओम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विज्ञान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकनाथम। छोड़ दीजिए हैं। देखिए प्रभु, ये नारायण पर्वत है जिसमें आप अभी बैठे हैं, जिसमें मंदिर विराजमान सामने नर पर्वत, ठीक है। भगवान बद्री विशाल ने यहाँ पे बाल लीला कर लिया इस भूमि को हरने के लिए। केदार खंड है ये पूरा, केवल 3 किलोमीटर का एरिया हो गया बद्री का वन। बद्री कौन है? बद्री मंदिर होता है वेद, वह माता लक्ष्मी जी। वो इस भूमि को वरदान है, कोई भी यहाँ पे एक दिन की पूजा करेगा, एक दिन का जप करेगा, उसको 10,000 गुना उसका फल मिलेगा। तो एक राक्षस था सहसा कवच करके, उसके 1,000 कवच थे, उसको वरदान था कोई भी तरह एक कवच खंडित करेगा उसको 10,000 वर्ष की तपस्या करनी पड़ेगी। तो जब उसने वर पाया उस राक्षस ने, उसको ज़्यादा कवच खंडित करने के लाखों वर्ष की तपस्या करनी पड़ेगी। जो उसने वर पाया उन्मादी हो गया, राक्षस प्रवृत्ति जैसी होती है, फिर तीनों ने अपना आत्म फैलाना चालू कर दिया। सारे देवता भाग के विष्णु के पास गए, बोले भगवान ने छुटकारा दिलाओ, वो तो मरता नहीं है। तो भगवान ने नारद को भेजा,
बोले नारद किसी भूमि का चयन करो जहाँ पे एक दिन की तपस्या का फल 10,000 गुना उसका फल मिले। तो नारद जी पूरे ब्रह्मांड में घूमे, ऐसी कोई भूमि नहीं मिली ये सामने नारद शिला है। वहाँ पे आके बैठे एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया और नारायण साक्षात नारद बहुत खुश हुए, साथ में आश्चर्य भी हुआ कि बोले भगवान इतनी जल्दी कैसे प्रकट हुए। भगवान विष्णु बोले तुमने जो एक बार नारायण का जाप किया है उसका फल तुम 10,000 नारायण करने के बराबर मिला है। ठीक है, तो भगवान ने यहाँ पे एक बमणी गाँव है, सब आप जाओगे बस अड्डे के ठीक सामने गाँव है बमणी गाँव, वहाँ पर भगवान ने बाल लीला करी है एक पत्थर के ऊपर एक शिला में। तो पूरा केदार खंड है केवल इस भूमि को हरने के लिए। तो जब शिवजी और माता पार्वती विचरण कर रहे थे अपने आसमान में, तो माता पार्वती ने देखा सामने एक छोटा सा बच्चा अपने रो रहा है, तो माता के मन में दया जागी, उसको उठाने के लिए गई, शिवजी ने रोक दिया, बोले अगर उसको उठाओगे तो हमें यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा हमें यहाँ से। माता तो माता होती है, छोटा बच्चा है मन में दया जागी, उसको गोद में उठाया, भगवान साक्षात प्रकट हुई, बोले ने पूछा बोले मुझे ये क्षेत्र तपस्या करने के लिए चाहिए। तो भगवान बद्रीशाल की तपस्थली है जहाँ पे लक्ष्मी स्तंभ है मेन जो कुंड है वहाँ पे भगवान बद्रीशाल ने तपस्या करी। तो नारद जी का काम है आग लगाना, भगवान को जब हजारों साल हो गए तपस्या में अपने क्षीर सागर में लक्ष्मी जी भी अपने आलम में, नारद जी गए लक्ष्मी के पास, आप तो आराम विराजमान कर रहे हैं हमारे पर बड़े कष्ट में, लक्ष्मी दौड़ गए कि आई डगरी बनी देखा वाकई में भगवान गले गए सारे काले पड़ चुके हैं, आपने मुक्ति दी थी सारे काले पड़ चुके हैं। माता लक्ष्मी ने क्या उनको बड़ा कलानी हुई अपने ऊपर हमारे आराम कर लिया। तो उन्होंने माता लक्ष्मी ने क्या बिना डिस्टर्ब किए हुए उनको तपस्या में कोई भंग नहीं किया, बेर का वृक्ष बन के बस उनकी सेवा में। बेर का वृक्ष ऐसा होता है भगवान सारी बर्फ धूल धक्कर पानी जितना होगा सब अपने मिले लेते हैं, जो नीचे रहता है उसको एक भी ढूंढ नहीं पाता। भगवान का जब ध्यान टूटा तपस्या में, देखा जब मैं यहाँ तपस्या कर रहा था बर्फ के अलावा कुछ नहीं था, अब यहाँ पे साक्षात है बेर का पेड़, थोड़ी भूख बढ़ी सुधा बढ़ी, हाथ बढ़ाया बेर का पेड़ थोड़ा और हाथ बढ़ाया और ऊपर उतर गया, भगवान विष्णु ध्यान लगाए तो साक्षात लक्ष्मी लक्ष्मी को अपनी अस्थि मिलने को कहा और बोला तुमने मुझसे ज़्यादा यहाँ तुमने त्याग किया है, मेरी सेवा की है, हमें क्या वरदान चाहिए। माता लक्ष्मी बोले मुझे वरदान की क्या जरूरत है, आपके चरणों की दासी हूँ, फिर भी अगर वरदान देना है तो ये वरदान दीजिए जो ये धाम हो वो मेरे नाम से स्थापित हो। बद्री मणि होता है देह खाने वाला देह, माता लक्ष्मी देह बन के छाए थे। और दूसरा वरदान जो अग्निदेव हैं, अग्निदेव भगवान की सेवा में थे, बोले पानी रूप में प्रवाहित होते रहे और सबके पाप धोते रहे उसके बाद आपके दर्शन होते रहे। ठीक है ना, तो यहाँ नरनारायण भगवान ने तपस्या करी थी उस राक्षस को मारने के लिए। एक दिन नर तपस्या करते नारायण उससे लड़ते, राक्षस से एक कवच खंडित करते, एक दिन नारायण तपस्या करते नर लड़ते एक कवच खंडित करते, ऐसे करते करते उसके 999 कवच खंडित कर दिया। जब उसके पास एक कवच बचा तो उसको मृत्यु का भय से तो बोला मेरी मृत्यु निकट है, वो भाग के सूर्य भगवान के शरण में चला गया। सूर्य भगवान ने उसको मारने नहीं दे दिया, बोले अगर भगवान इसको मारना है किसी और युग में उसको मार सकते हैं, वही द्वापर युग में कर्ण के रूप में एक कवच लेकर पैदा हुआ है ना। और कुरुक्षेत्र ऐसी भूमि नहीं है कि जहाँ पे एक दिन की तपस्या का फल 10,000 दिन के बराबर मिले, वहाँ पे इंद्र भगवान ने ब्राह्मण का रूप भूख धर के वो कवच उनसे मांग ले लिया था, तब जाके कहीं कर्ण का अंत हुआ है, नहीं तो कर्ण वहाँ नहीं होते, क्योंकि कुरुक्षेत्र ऐसी भूमि नहीं है। और भगवान बद्रीशाल लाल की थोड़ा ये आपका यात्रा संकल्प हो जाएगा लीजिए है। हरि ओम विष्णु 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 नमो परमात्मा भगवत महापुरुष अद्य ब्रह्मण्योनि द्वितीय परार्धे श्री शेतवारा कल्पे वैवस्व गुणमंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल्पतरुं चले जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत एक प्रदेशे हिमवत् प्रदेशे बद्रिकाश्रम क्षेत्रे नरनारायण पर्वत योर मध्ये पंचशिला योर मध्ये ऊर्वशी पीठे भैरवी चक्रे मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुभ पूर्णे तिथि षष्ठी आयाम अमुक नाम नाम अमुक गोत्राणाम भैया अपना नाम अपने गोत्र का नाम अपने माता पिता भाई बहन जो जो आपके घर में सबका नाम लीजिए, सबका नाम मन में ध्यान करो आपके घर में जो है जो जो आपके घर में है ये नाम चढ़ाना है। पापा का चढ़ा हुआ होगा, पापा आ चुके हैं का चढ़ा हुआ है उनके बाद आप
यात्रा मंगल में खूब कल्याण हो। सब लोग आप एक ही जगह से करो? नहीं नहीं, सबका गांव अलग अलग है। बोल भगवान मनीषा लाल की जय। वीरेंद्र बड़ा जबरदस्त दर्शन हुआ है बद्री विशाल जी का, महाराज का दर्शन हो गया। आसमान शांत लग रहा है, यहाँ माहौल है गजब शांति है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। दिल चाहता है, दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। दिन दिन भर वो प्यारी बातें झूमे शामे गाए रातें। मस्ती में रहे रहे अपने वास्ते।